लोकतंत्र की मजबूती के लिए सीपीए और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन लगातार मील का पत्थर साबित हो रहे हैं 1921 में शिमला में पहला पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित हुआ और उसके बाद लगातार आज 102 वर्ष हो चुके हैं पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को होते हुए और इस बार एक खास मौका था मेघालय राज्य को जहां के शिलोंग में दो दिवसीय पूर्वोत्तर राज्यों, राज्यों के अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ विस्तार से पूर्वोत्तर की समस्याओं को किस तरह से समाधान किया जाए और किस तरह से राज्य की पॉलिसी के साथ साथ वो केंद्र की पॉलिसी में परिलक्षित हो उस पर मंथन हुआ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी ने मुख्य भूमिका में यहाँ पर लोगों को संबोधित किया इसके अलावा मेघालय के गवर्नर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे दो दिवसीय कार्यक्रम का समापन हो चुका है और इन सभी मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ सिक्किम विधानसभा के अध्यक्ष अरुण कुमार उत्प्रीति जी मौजूद हैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर बहुत बहुत धन्यवाद सर सबसे पहला सवाल तो यही है कि मेघालय में सीपीए कॉन्फ्रेंस होना पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कितने बड़े प्राउड का मोमेंट है आ, बहुत प्राउड का मोमेंट है हमारा जो पूर्वोत्तर में जो आठ राज्य है यहाँ पर बारी बारी से सभी राज्यों में हम लोग करते हैं तो इस बार मेघालय का बारी था तो ये विश्वा कॉन्फ्रेंस था तो इसमें दो दो दिवसीय जो कॉन्फ्रेंस था इसमें बहुत अच्छा तरह से चर्चा विचर्चा हुआ और ये सब हम लोग नोट करके हमारा जो जोन थ्री का जो अध्यक्ष है अरुणाचल प्रदेश के माननीय अध्यक्ष महोदय वहाँ उन उनके अध्यक्षता में अभी ये रिपोर्ट हम लोग ओम बिरला जी को अथवा विभिन्न विभाग को हम लोग सौंपेंगे सर जिस तरह से इस बार का कॉन्फ्रेंस एक थीम बेस्ड था दो मुख्य समस्याओं पे चर्चा की गई जिसमें सबसे पहले पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी कैसे बढ़े किस तरह से पूर्वोत्तर में विकास की गंगा बहे किस तरह से पूर्वोत्तर के पूर्वोत्तर के राज्य और राज्यों से समाहित होकर विकास करें दूसरा सर प्राकृतिक आपदा पर भी चर्चा हुई कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था और सर किस तरह की बातें आमतौर पर माननीय जो अध्यक्ष थे या माननीय जो सदस्य इस सम्मेलन में सम्मिलित उनके रहे आ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय इस पर चुना हुआ था हालांकि जितना भी कॉन्फ्रेंस होते हैं वो सब में कोई ना कोई ये मुद्दा रहता है लेकिन इस बार का जो मुद्दा था वो कनेक्टिविटी का और जो ये है डिजास्टर मैनेजमेंट का ये बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि जो यहाँ का जो भौगोलिक जो दृष्टिकोण है ना तो इसमें प्लेन्स भी है और हिल भी है और ज़्यादातर हिल एरिया टेरेन टेरेन होने के कारण में जब भूस्खलन होता है विशेषकर ये बरसात का मौसम में भूस्खलन की वजह से एकदम व्यापक छाती क्षति हो जाती है और जो तराई का जगह है वहाँ पर बाढ़ की वजह से प्रॉब्लम हो जाते हैं तो इस इस इसलिए तो इस इस तरह से इस आपदा में किस तरह से निपटना है तो किस तरह से आपको इसमें इसका समाधान करना है हालांकि केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्रीमन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उन्होंने अभी नॉर्थ ईस्ट को मेन मेन स्ट्रीम में, में, में लिया दिया है पहले नॉर्थ ईस्ट बोलने से इंडिया में है ना बाहर है कोई किसी को मालूम नहीं पड़ता था लेकिन आजकल नॉर्थ ईस्ट बोलने से सारा भारत में कोई भी कोने में जाने से हम लोग को वो लोग को मालूम होता है कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है बोल तो इस तरह से अच्छा तो विकास हो रहा है लेकिन अभी फिर भी उसमें कुछ देखने का आवश्यकता है जो अभी अभी हम लोग का हम लोग इसके लिए हम लोग सजेशन किया हुआ है डिस्कशन में वेरियस अपना अपना स्टेट का अपना अपना प्रॉब्लम था ये सब हम लोग ने रख दिया है तो वो भी इसको हम लोग निचोड़ निकाल के तो इसका समाधान के लिए हम लोग केंद्र सरकार के पास भेजेंगे अगर मैं बात करूं सर आपके विधान आपके स्टेट की यानी कि सिक्किम स्टेट की जिसके आप स्पीकर हैं आपके स्टेट की किस तरह की समस्याओं की चर्चा यहाँ पर हुई सर आ, मेरा स्टेट में प्रॉब्लम है कि क्योंकि नेशनल हाईवे सिर्फ एक ही है कनेक्टिविटी का जो मेन माध्यम है एन एस टेन है तो इसमें अगर बाईचांस भूस्खलन हो जाएगा कोई रोड रोड रो, रो ब्लॉक हो जाएगा तो इसमें प्रॉब्लम होगा और जो उसका जो जो आज से बहुत साल पहले जो बना है उसका जो लेन है वो कम है तो इसलिए उसको बढ़ाने का बढ़ाने का हो सके या वेरियस अल्टरनेट रूट बनाना है तो इस तरह का है और जो एयर कनेक्टिविटी के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं उनका कमल से उद्घाटन किया है कि हमारा सिक्किम का जो पाकिम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हण एक सवा एयरपोर्ट था माननीय प्रधानमंत्री जी का कल कमल से उसका उद्घाटन हुआ था तो लेकिन अभी फंक्शनल नहीं हो पा रहा है हंड्रेड परसेंट क्योंकि ड्यू टू वेदर कारण से कारण बारिश हो जाता है क्लाउड हो जाता है इसकी वजह से नहीं हो रहा है तो इसके लिए टेक्नोलॉजी को एडवांस किस तरह से करना है और इसको सारा वर्ष तक हमको इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है ये लोग हम इसके लिए कोई उच्च टेक्निकल टीम केंद्र सरकार द्वारा भेज के इसके लिए समाधान करने हम का क्योंकि सिक्किम एक टूरिस्ट टूरिज्म के टूरिज्म में डिपेंड करने वाला स्टेट है क्योंकि हमारा मेन आय जो स्रोत है वो टूरिज्म है तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कनेक्टिविटी जो है रोड का हो एयरवेज का हो और जो ट्रेन का भी अब अब हमारा सर्विस शुरू होने वाला है बाई बाई ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव में ये हो जाएगा बजट सेशन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव में ये ट्रेन कनेक्टिविटी भी हमारा बॉर्डर रंफू तक आ जाएगा तो इस इसलिए कनेक्टिविटी ज़्यादा होने से हम लोग को टूरिज़म में मिलेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा इसलिए हम लोग का रेवेन्यू औरजन और जो है वो ज़्यादा हो जाएगा मेरा पर्सनल कहना है कि जो भी आ, आ, एक अनुशासन जो है अनुशासन पालन होना चाहिए क्योंकि हम लोग जो जनप्रतिनिधि है तो जनप्रतिनिधि आप लोग हम लोग जनप्रतिनिधि होने के कारण अगर अनुशासन में हम खुद नहीं बैठेंगे तो जनता को हम लोग क्या जवाब दे सकेंगे तो ये जानकारी लेना हम लोग को बहुत ज़रूरत है क्योंकि आजकल ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी है ये तो मीडिया का ज़माना है इंटरनेट का ज़माना है तो सब जितना भी यंगस्टर का ज़माना है तो वो लोग लो अभी पढ़े लिखा हुआ है एजुकेटेड एजुकेटेड बच्चा लोग ज्यादा हो गया है तो यंग यंगस्टर्स एजुकेटेड है तो इसलिए वो लोग सब डिसिप्लिन चाहते हैं तो इसलिए हम लोग जो जितना भी हम लोग पोलिटिकल फील्ड में है अथवा करते हैं जो भी में है अभी हम लोग तो हम लोग को डिसिप्लिन खुद दिखाना चाहिए कि जनता को कि इस तरह का होना चाहिए बोल के मुझे ये मेरा पर्सनल फीलिंग है तो कुल मिला के कई सारी विधायिका से जुड़ी समस्याओं की चर्चा की गई और खासकर पूर्वोत्तर राज्यों की जो समस्याएं थी जिसमें क्लाइमेट चेंज जिसमें कनेक्टिविटी की चर्चा खास तौर पर की गई और जिस तरह से सिक्किम विधानसभा के अध्यक्ष उत्प्रीति साहब का मानना है कि आने वाले समय में जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ इसका जो असर है वो राज्य की विधानसभाओं में देखने को मिलेगा कैमरामैन राज ठाकुर के साथ अमरेंद्र गुप्ता मेघालय सिलोंग